हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। गाइस, अगर आप यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर मैं आपको आपके साथ 5 से 6 पॉइंट डिस्कस करूंगा जो कि आपको समझने और जानने जरूरी है, नहीं तो हो सकता है कि बाद में आपके साथ प्रॉब्लम हो जाए। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी फॉर्म फिलिंग को लेकर के। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर देखें फॉर्म फिलिंग से पहले, ताकि आपसे फॉर्म फिलिंग में किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक ना हो और आप इजीली फॉर्म फिल कर पाए। मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग से स्टार्टिंग से लेकर के एंड फी पेमेंट तक का कंप्लीट प्रोसेस समझाया हुआ है डिटेल में। सो इस वीडियो को आप जरूर देखें फॉर्म फिलिंग से पहले। ओके, तो गाइस देखिए कुछ चीजें हैं, आपको समझा देता हूँ मैं। पहली चीज तो ये आ रही है कन्फ्यूजन बच्चों के माइंड में कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने डिक्लेयर किए जाएंगे पीएचडी एडमिशन के लिए और कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है। तो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखो इस चीज को लेकर के मैंने देखा, इसमें लिखा हुआ है दैट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु विल बी क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली विल बी डिसाइडेड बाय द रिजल्ट कमेटी। तो ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, इसका स्पेसिफिकली कोई आंसर नहीं दिया है एनटीए ने कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को पीएचडी एडमिशन के लिए डिक्लेयर किया जाएगा कि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, या कोई कट ऑफ आएगी या कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या होगा, किस तरीके से चीजें रहेगी, अभी हमें कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर रिजल्ट कमेटी डिसाइड करेगी और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें चीजें देखने को मिलेंगी। तो अभी सिर्फ आपको एग्जाम पे फोकस करना है, अपने अच्छे से एग्जाम दो और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा एग्जैक्टली कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को पीएचडी के लिए डिक्लेयर किया गया एडमिशन लेने के लिए और कितनी कट ऑफ है, और या सर्टिफिकेट मिलेगा या स्कोर कार्ड मिलेगा, क्या कुछ रहेगा, हमें तब पता चल जाएगा। तो एक तो चीज ये आपको आपको बतानी थी। इसके अलावा एक चीज आपको बतानी थी कि जो आप इस, क्योंकि इस बार एग्जाम जो है ओएमआर शीट में होने वाला है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, आपको गोले भरने पड़ेंगे, तो इसमें आपको ब्लैक या ब्लू, ब्लैक हो या फिर ब्लू बॉल पेन का ही यूज करना है, ना तो आपको इसमें पेंसिल का यूज करना है और ना ही इसमें आपको जेल पेन का यूज करना है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, बिकॉज अब क्या आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा तो ऐसे में आपको, अभी क्या होता था किसी के कंप्यूटर में माउस खराब है, किसी का सीपीयू खराब है, किसी का एग्जाम जो है सही से नहीं हो पा रहा है, सर्वर डाउन हो गया या लाइट चली गई, बहुत दिक्कत हो जाती थी। बट अब ऑफलाइन मोड में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आपके सामने क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप उसको इजिली उस क्वेश्चन पेपर में मार्क कर सकते हो, पेपर पेन से आप लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो डेटा इंटरप्रिटेशन या रीजनिंग वगैरह, तो आप इजिली उस पर आप सॉल्व कर पाओगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो अकॉर्डिंग टू मी सही है, ऑफलाइन मोड अच्छा मोड है, ऐसा नहीं कि खराब मोड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको पहले बता देना चाहिए था, बिकॉज काफी सारे बच्चे जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉक टेस्ट की, तो खैर वो प्रैक्टिस तो बेकार नहीं जाती, कभी भी एजुकेशन जो है आपकी पढ़ाई है वो बेकार नहीं जाती है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनको पहले बता देना चाहिए था, 2-3-4 महीने पहले बता देते तो अच्छा रहता, बच्चे उसके अकॉर्डिंग फिर अपने माइंड को प्रिपेयर करते। बट चलो कोई बात नहीं, ये भी सह लेंगे जब इतना कुछ हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना है दैट इज कि अगर आप एससी कैटेगरी से हो या ओबीसी कैटेगरी से हो या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो, तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आपसे पूछा जाएगा कि आप एनएफएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हो या एनएफओबीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर एनएफपीडब्ल्यूडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इसको सिलेक्ट जरूर करें अगर आप इस एससी ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, बिकॉज अगर आपका जेआरएफ क्रैक नहीं होगा और ऐसे में आप पीएचडी करते हो और आपका नाम एनएफएससी या फिर एनएफओबीसी या फिर एनएफपीडब्ल्यूडी में आ जाता है, तो ऐसे में आपको स्कॉलरशिप मिलने लग जाती है, फेलोशिप मिलती है, काफी अच्छा खासा अमाउंट होता है इसका भी, तो इसलिए इसको सिलेक्ट जरूर करें। हो सकता है कि अगर आपका जेआरएफ क्रैक ना हो तो एटलीस्ट आपको यहाँ से स्कॉलरशिप मिल जाएगी, इससे आपका पीएचडी जो है इजिली आपका हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे ओबीसी है या एससी है या एसटी है या AWS है, तो आप इस कैटेगरी को तभी चुने जब आपके पास सर्टिफिकेट हो या आपको लगे कि मैं सर्टिफिकेट बनवा लूंगा। ऐसा नहीं है कि अभी अपलोड करना पड़ेगा, अभी आपको अपलोड नहीं करना सर्टिफिकेट, लेकिन पीएचडी एडमिशन के टाइम पर या जॉब रिक्रूटमेंट के टाइम पर आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, उस टाइम आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो जो भी आपके हाथ में सर्टिफिकेट है नेट का जेआरएफ का वो इनवैलिड हो जाएगा। लास्ट ईयर ऐसे मैंने देखे थे, केस हो गए थे, बच्चों ने ओबीसी सिलेक्ट कर लिया लेकिन बाद में जब वो पीएचडी में एडमिशन लेने गए तो उनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था, सेंट्रल लिस्ट वाला नहीं था, जिसकी वजह से उनका जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड हो गया, आपको नेट पास नहीं माना जाएगा। तो इसलिए गाइस आप इस चीज का याद रखें जो कि जो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लिस्ट वाला होना चाहिए और नॉन क्रीमी लेयर वाला होना चाहिए। तो इस चीज का याद रखें, अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट वाला है तो वो यहाँ पर नहीं माना जाएगा, आपको जनरल कैंडिडेट के तरीके से ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ईमेल आईडी को लेकर के प्रॉब्लम आ रही बच्चों को, कि ईमेल आईडी जो है हमने ईमेल आईडी डाल दी है और अब ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी नहीं आ रहा है,
काफी सारे बच्चों को दिक्कत आ रही, कल से मुझे काफी सारे कॉल भी आ गए, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। देखो गाइस, इसमें आपको तीन चीजें करनी है। पहली चीज तो ये करनी है कि आप उसमें ऑप्शन गिवन होता है रीसेंड का, रीसेंड ओटीपी, ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा वहां पर, इस पर क्लिक करें, ट्राई करें, हो सकता है कि ओटीपी आ जाए। आप रीसेंड ओटीपी जरूर ट्राई करें, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने ईमेल आईडी के स्पैम फोल्डर में चेक करें कि कहीं गलती से स्पैम फोल्डर में तो नहीं चला गया। आपको चेक करना नहीं आ रहा तो किसी से चेक करवा लो, किसी की हेल्प ले लो। आपके ईमेल आईडी में एक स्पैम फोल्डर होता है जिसके अंदर जाकर के आप इन चीजों को चेक कर सकते हो। थर्ड चीज आपको करनी है कि आपको अगर स्पैम में भी नहीं है, रिसेंड करने में भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको चेक करनी है स्पेलिंग, जो आपने स्पेलिंग लिखी है उसको चेक करो अपने ईमेल आईडी की, क्या आपने वो सही लिखी है, कहीं गलती से मिस्टेक तो नहीं कर दिया आपने ईमेल आईडी को उस ईमेल आईडी में डालने में। तो अगर स्पेलिंग गलती से गलत हो गई तो ऐसे में फिर आपको क्या करना है, अब करना है आपको कॉल या करना है आपको ईमेल एनटीए को। तो ये कहाँ पे कर पाओगे, देखो यहाँ पे नंबर गिवन है, ये जो नंबर है आपको हर एक नोटिस में दिख जाएगा आपके एनटीए जो यूजीसी नेट के लिए इशू करता है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी भी गिवन है और यहाँ पर आपको नंबर भी गिवन है, इस पर कॉल भी कर सकते हो या फिर आप मेल करिए, बताइए कि मैंने ईमेल आईडी गलत डाल दी है और मैं दोबारा से रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज आपका जो नाम है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, इसकी वजह से आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हो। तो इस वजह से आप इनको मेल करिए, दोबारा रजिस्ट्रेशन मत करिए, वो नहीं होगा। आप मेल करके उसको ठीक करने की कोशिश करिए, बोलो कि आप हमारी ठीक कर दो वहां से। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, बच्चों से गलत ईमेल आईडी डल गई थी, फिर उन्होंने एनटीए ने आगे से ठीक कर दी थी उनकी, मतलब स्पेलिंग ठीक कर दी थी। वो आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन एनटीए अपने एंड पे ठीक कर सकता है। तो अभी काफी टाइम है, एग्जाम की फॉर्म फिलिंग जस्ट अभी स्टार्ट ही हुई है, तो आप इसके लिए ट्राई करो। 2 4 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन का टाइम लग जाए तो कोई बात नहीं, वो उनके एंड पर ही ठीक होगी। तो ये मैंने आपको तीन रास्ते बता दिए हैं कि किस तरीके से आप इन पे चल के जो ईमेल आईडी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा एक पेज नंबर 13 है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। अभी हम पेज नंबर 9 पे हैं, 10 हो गया, 11, 12 और अब आ जाएगा 13। हाँ, ये वाला पेज नंबर देखो, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि करेक्शन और चेंज। आपको सपोज करो आपने कोई करेक्शन करनी है, आपने फॉर्म फिलिंग में किसी तरह की कोई मिस्टेक कर दी है, तो आपको रिक्वेस्ट ऑफ चेंज जो है वो डालनी पड़ेगी, और ये क्लोजिंग ऑफ और करेक्शन विंडो के टाइम होगा आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द करेक्शन विंडो। रिक्वेस्ट, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब करेक्शन विंडो खत्म हो जाएगी देन उसके बाद ये आपकी कोई भी किसी भी तरह की करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी करेक्शन करवानी तो अभी आप ईमेल कर दो, या फिर जब करेक्शन विंडो ओपन होगी उस टाइम पर करेक्शन कर लेना। करेक्शन विंडो में आई थिंक सेंटर से रिलेटेड हो सकती है करेक्शन, या 2 4 करेक्शन एड्रेस वगैरह को लेकर के हो सकती है। तो जो भी करेक्शन होगी आपको उस टाइम पर देखने को मिल जाएगा, तो करेक्शन जो है आपको उसी टाइम पे करनी होगी जब करेक्शन विंडो ओपन होगी। अभी अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो फॉर्म फिल कर दो, कंप्लीट फॉर्म फिल कर दो, उसके बाद जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो वहां पर ठीक कर लेना। वहां पर आपको ठीक करने का जो है मौका दिया जाएगा, 2 दिन का टाइम रहता है आपके पास ठीक करने का। इसके बाद आपको एक चीज मैं आपको और समझा दूं कि हो सकता है कि इस बार जो आपका एग्जाम है ऑफलाइन मोड में हो रहा है, तो हो सकता है कि 2 शिफ्ट में हो जाए, मॉर्निंग और इवनिंग, किस तरीके से। तो अगर कोई किसी सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 करके, तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉलो किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, सपोज करो मॉर्निंग में पेपर टफ आया था, इवनिंग में पेपर ईजी आया था, तो ऐसे में इन दोनों को का नॉर्मलाइजेशन होता है, देन उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है, अगर कोई एग्जाम डबल शिफ्ट में होता है तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है। खैर ये तो बात की बात है, अभी इस पर आपको ध्यान नहीं देना, जब रिजल्ट आ जाएगा, जब आपके एग्जाम हो जाएंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, कैसे नॉर्मलाइजेशन एनटीए करता है। तो और इसके अलावा गाइस एक चीज मैं आपको समझा दूं कि जब आप कंप्लीट फॉर्म फिल कर लोगे तो लास्ट में जाके आपको कंफर्मेशन पेज आपको मिलेगा, उस कंफर्मेशन पेज को आपको जरूर डाउनलोड कर लेना है, उसको डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। डाउनलोड करके आप उसको अपने ईमेल पे सेव कर लो, या फिर अपने गूगल ड्राइव पे सेव कर लो, अपने मोबाइल फोन में सेव कर लो। और तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में अगर कोई भी दिक्कत होगी, आपको लगता है कि गड़बड़ हो गई है, कैसे क्या करें, तो आप उस करेक्शन पेज को चेक कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ हमने किस तरीके से फॉर्म फिल किया था। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी कि किसी भी तरह की, और इजीली आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आपके मन में किसी भी तरह का अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, वहाँ पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। सो ये थे गाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो अभी भी मौका है, अभी भी 2 मंथ के आसपास का टाइम बचा हुआ है आपके पास। तो अगर आप अभी भी प्लान्ड वे में स्ट्रेटेजी बना के स्टडी करो तो अभी भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। मैंने 2 मंथ के एग्जाम को ध्यान में रख करके 2 मंथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, और ये इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपका जो कंप्लीट कंटेंट, कंप्लीट सिलेबस जो है वो 2 मंथ में ही कवर हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर हमने हमने पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के कोर्स स्टार्ट किए हैं। अभी आपको महावीर 10 कूपन कोड अप्लाई करने पे 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो ये जो ऑफर है वो आज रात यानी 22 अप्रैल रात तक अवेलेबल है, मिड नाइट तक आप इसको अवेल कर सकते हो।
कंप्लीट कंटेंट जो है बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। 100 मॉक टेस्ट होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, इन पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिविजन कर सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से इनरोल कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर से सिंपली आपको एग्जाम मेंट और ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईओएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको स्टोर पर क्लिक करना है, कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी जिसमें जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आप उस कोर्स को ओपन करिए। आप इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा महावीर 10 करके कूपन कोड, इस पर आपको सिंपली टैप करना है, फीस रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आपको आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है। आगे जब आप प्रोसीड करेंगे आपके सामने आपको टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा, हो सकता है कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए जिसमें आपको लिंक गिवन होगा पेमेंट करने का। जैसे उस पर क्लिक करके आप पेमेंट करोगे आप ऑटोमेटिकली कोर्स में ऐड हो जाओगे। दिस इज ऑटो प्रोसेस, कुछ अलग से आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप फी पे करते हो आप ऑटोमेटिकली कोर्स में ऐड हो जाते हो। सो दिस वॉज द प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एज फ्रेंड्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।